हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि काफ़ी समय से कोई क्लास आपकी आई नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, इसी कारण से मैं आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं सच में आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी भी वीडियो हमारी पुरानी थी उनको रिवाइज किया होगा, दोबारा से देखा होगा और उनसे मदद ली होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इसका मैं करवा चुकी हूँ। फर्स्ट टॉपिक में जो हमारा अर्थ है, इसके प्रकार है, विशेषताएं हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और इसको जब मैंने करवाया तो आपके एक दो नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव भी नहीं कहूँगी, वो पॉजिटिव ही कमेंट थे, लेकिन आपका एक तरह से क्वेश्चन था उसमें, और आपका कहना भी बिल्कुल सही था। लेकिन जब सर ने आपके लिए अपनी टेस्ट सीरीज़ फ्री कर रखी है तो फिर उन्हीं क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवाऊं, इसीलिए सर ने कहा कि आप क्वेश्चन को रहने दीजिए मैडम, क्वेश्चन के लिए मैंने इसी वजह से टेस्ट सीरीज़ को फ्री किया है, आप टॉपिक को पढ़ाइए अच्छे से ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। इसीलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। लेकिन आप प्लीज़ समझा करो चीज़ों को, मतलब हर किसी चीज़ का गुस्सा किसी चीज़ पे निकालना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए, जैसे ही मैं आपको कोई टॉपिक करवाती हूँ उसके बाद आप उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो गाइड है, कोई भी गाइड है, अरिहंत की हो या फिर ये मदान वाली हो, प्रतियोगिता साहित्य हो, क्योंकि सभी के पीछे खूब सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो आप वहाँ से उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में और नई नई चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी वहाँ पर। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि जो टीचर है वो सिर्फ आपका मार्गदर्शक है, सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो आपकी जगह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात को आप पल्ले में गांठ बांध लीजिए, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ये बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो डायरेक्ट आंसर पढ़ाने आ गई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत थपेड़े खाए हैं, मतलब कि बहुत ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में, एसएससी की, बैंक की, इधर उधर काफ़ी कोचिंग की, लेकिन जो मेन जो उसकी कहूँ कि शिक्षा थी वो मुझे बाद में मिली कि कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं है जब तक मैं खुद नहीं करूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे कोचिंग करने से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जितना मैंने यूट्यूब से फ़ायदा उठाया और यहाँ से पढ़ा, यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ों को जाना पहचाना सीखा, और उसी ने मुझे मदद की। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ हमेशा कहूँगी कि टीचर सिर्फ आपका मार्गदर्शक है और इस मार्गदर्शक की भूमिका कोई भी निभा सकता है, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, माता पिता, दोस्त, कोई भी। तो इसीलिए आप चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए और अपने जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करते चलिए, बाहरी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए प्लीज़, है ना। देखिए, शोध की पद्धति आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और पद्धति हमारे जो सिलेबस है इसमें चार दे रखी है, प्रयोगात्मक, विचारात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान की जो विधि है इसमें कौन सी विधि पढ़ेंगे, दोस्तों ऐतिहासिक अनुसंधान विधि पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप कहोगे कि मैडम पहले तो प्रयोगात्मक विधि है, आप ऐतिहासिक क्यों पढ़ा रहे हो, तो ऐतिहासिक विधि हमारे इतिहास से संबंधित है, हमें हमारे भूतकाल की जानकारी देती है, इसीलिए हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ था हमारे भूतकाल में और पुरानी चीज़ों से हम नई चीज़ों का कैसे निर्माण करें, नए ज्ञान को कैसे सीखें पुराने के आधार पर। ठीक है, वही इस विधि में पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विधि। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो घटना होती है ना, कोई भी घटना है, मान लीजिए कोई भी आपका पीएचडी का टॉपिक कुछ ऐसा है जो हिस्ट्री से संबंधित है, मतलब कि देखिए हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, आप अगर हिंदी से हो तो हिंदी लिटरेचर में भी आपके में इतिहास है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हो, आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है तो उसका भी कुछ इतिहास रहा होगा, आपके पास ज्योग्राफी है तो उसका भी कुछ इतिहास रहा होगा, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई इतिहास रहता है। ठीक है, तो उसके इतिहास की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके जो विश्वसनीय, मतलब कि भरोसा करने के लायक जो उसके तथ्य होंगे, जो उसकी जो भी सामग्री होगी उसको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उस पर हम शोध कार्य करेंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे, मतलब पीएचडी करना
करना चाहेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे मैं ऐतिहासिक विधि पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, नहीं, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। क्योंकि ऐतिहासिक विधि का मतलब है कि हर चीज़ का इतिहास होता है। आपका भी इतिहास बन रहा है, मेरा भी बन रहा है, इसी तरीके से हमारे सारे सब्जेक्टों का भी इतिहास होता है। तो उसी के संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक पर PhD कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप कला और संस्कृति के ऊपर PhD कर रहे हो किसी। अब देखिए, कला और संस्कृति ऐसा नहीं है कि ये हिंदी का टॉपिक है, ये GK का टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी में रहता है ना। तो कला और संस्कृति के ऊपर जब आप कर रहे हो तो पहले उसकी पुराने चीज़ों को देखोगे कि पहले क्या काम हो रखा है, किसने कौन कौन से लेख इसके ऊपर लिख रखे हैं, कौन कौन सी सामग्री है जो पुरानी पहले की हमारे सामने अभी है, और जो हमारी संस्कृति है अलग अलग उनके बारे में हम जानेंगे, अच्छे हमारी जो संस्कृति में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा इतिहास गुजर चुका है उसके बारे में जानेंगे, उसके आधार पर, उसको आधार बना करके फिर हम हमारी नई खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये इस विधि में है, तो पढ़ लेते कौन से इसके गुण है, क्या दोष है, किस तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस विधि में अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब कि देखिए इसमें क्या होता है, अतीत की घटनाएं मतलब कि भूतकाल की, ठीक है, वर्तमान नहीं, भूतकाल की, जो गुजर गया है उसकी, ठीक है, जो गुजर गया है उसकी घटनाएं। मान लो कि ये तो हमारा आज है, ठीक है, ये जो बड़ा दिख रहा है ये हमारा आज है, और ये हमारा जो गुजर गया है वो है, ठीक है। अब इसकी कोई घटना है, इसके अंदर कोई घटना है जिनको हमें जानना है, और कैसे जानेंगे, विश्वसनीय तरीके से। विश्वसनीय मतलब कि जिस पे हम भरोसा कर सके, ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से विश्वसनीय तरीके से जानेंगे, और क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। ऐसे नहीं है कि एक तथ्य तो यहाँ पे पढ़ लिया, एक को रहने दिया, यहाँ कहीं देख लिया, एक को इधर देख लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से इसको पढ़ेंगे हम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ेंगे, और समन्वयित विवरण प्रस्तुत करेंगे। समन्वयित का मतलब कि इसको मिला जुला, समन्वयित का मतलब होता है मिला जुला, मतलब कि कुछ हम अपने भूतकाल से सीखेंगे और अपने वर्तमान काल की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं समन्वयित, ठीक है। तो इस तरीके से इस विधि में अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय क्रमबद्ध एवं समन्वयित विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी विधि है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, इसका जो मुख्य उद्देश्य इसका है अतीत के बारे में जानना, मतलब कि हमारे भूतकाल के बारे में जानना। आप समझ रहे हो ना चीज़, भूतकाल मतलब कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका क्या भूतकाल रहा है, ठीक है। हमारी हिस्ट्री जो है उसमें जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हुई है, राजा महाराजा जो भी चीज़ थे उनका क्या इतिहास है। हिंदी साहित्य आप पढ़ते हो तो हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा है उसी को तो आप पढ़ते हो। इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी वही पुराने कवियों को आप पढ़ते हो, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन को, ये सबको, इन सभी को पढ़ते हो, एडमंड स्पेंसर है, और बहुत सारे और अच्छे अच्छे कवि उसमें हैं उनको पढ़ते हो, ठीक है। तो दोस्तों, और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले ये जानोगे ना कि देखिए सबको मालूम है कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे आते हैं। तो आप पता करोगे कैसे आते हैं, किसने पता किया सबसे पहले कि ऐसे ये होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में जानोगे ना। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का भूतकाल होता है, अतीत होता है, और ये जो हमारी विधि है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे भूतकाल को जानना, ठीक है। मैं निराला जी के ऊपर काम कर रही हूँ, देखियो आपको कितने अच्छे से चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों आप है ना, इसको यूं ही मत समझना कि मैडम ऐसे ही लेके जाती, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ उसके बाद आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। मैं निराला जी पे PhD कर रही हूँ, तो ये तो है नहीं कि निराला जी को उठाया, उनकी दो तीन किताबें उठा ली और बस लिखने लग गई। नहीं दोस्तों, इससे पहले मैं पढ़ रही हूँ कि जितने भी काम निराला जी के ऊपर हो चुके हैं ना, सबको मैं पढ़ रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जो एज इट इज़ जो लाइन लिख रखी है उसको मैं अपनी, मेरी जो थीसिस है उसमें ऐसे ही उतार दूँ, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि आजकल हमारी जो थीसिस है ना वो स्कैन होती है, वहाँ पे तो पता चल जाता है, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना तो सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए मैं इन सबको पढ़ूँगी कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है, इनसे कुछ सीखूँगी और अपने विचारों को मिलाऊंगी और अलग तरीके से फिर मैं उनको लिखूंगी, समझ रहे हो ना आप। तो मैंने निराला जी का पूरा इतिहास जाना है यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से
देखिए, मैं कहीं पर ऐसी जगह घूमने जा सकती हूँ, जैसे कि निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ, इनका महिषादल में जन्म हुआ था, ठीक है, मेदिनीपुर में, तो मैं वहाँ जाऊँगी, देखूँगी इनका जन्म कौन से गांव में हुआ, किधर हुआ, कहाँ पे ये क्या करते थे, मतलब कि इनकी जगह पे घूमने जाऊँगी, एक तो भ्रमण के तरीके से, एक इनकी किताबों को पढ़ूँगी, एक जब ये बाद में यूपी में आके रहने लगे थे इलाहाबाद में, मैं वहाँ पर जाऊँगी, वहाँ पर उनकी कोई लाइब्रेरी बनी हो, कोई उनका संग्रहालय बना हो, तो उसमें जाऊँगी, घूमूंगी, चीज़ों को ढूंढूंगी, जानूंगी, पहचानूंगी, और फिर मैं अपने जो मेरा टॉपिक है उस पर काम करूँगी। मतलब ज़्यादा मुझे क्या करना है, ज़्यादा मुझे आंकड़े जुटाने हैं, चीज़ों को समझना है, और उसके बाद मेरी कैसी समझ है, मेरी समझ कैसी विकसित हुई है उस टॉपिक के बारे में, मुझे वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए, आपको ना ये जो विधि है, ऐतिहासिक विधि, इसका आइडिया हो गया कि आखिरकार ये विधि है क्या, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो भी इसके गुण दोष समस्या जो भी है सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय विशेष के विगत जीवन एवं किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों, नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता करता है। अब ये सारी पंक्ति आपने पढ़ ली, लेकिन आपको समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने पे मुझे भी समझ नहीं आई, पर मैं आपको बताती हूँ कि बात इसमें क्या है। देखिए, यहाँ पे बोला है कि कोई भी वस्तु, कोई चीज़ होगी, ठीक है, या फिर कोई विचार होगा, या फिर कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी पहले, या अभी घटित हो रही होगी, ठीक है, या फिर कोई समुदाय विशेष की बात हमें करनी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको कोई समुदाय के ऊपर काम करना है, पिछड़े हुए लोगों के ऊपर, दलित लोगों के ऊपर, या फिर शिक्षित लोगों के ऊपर, या महिलाओं के ऊपर, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कोई वस्तु, विचार, घटना, समुदाय विशेष के जीवन, या फिर कोई संस्था, संस्था का मतलब ये कि स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई एनजीओ हो, इस तरीके की कोई संस्था है, उसके विकास से संबंधित तथ्यों, देखिए जितने भी आंकड़े उसके हैं और उसके जो रूल है, उसके जो नियम है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उनका साइंटिफिक तरीके से उनका अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार का अनुसंधान। और देखिए, ये जो अनुसंधान है इसमें क्या होता है, देखिए भूतकाल को हमने समझ लिया, उसके बाद हमने अपना वर्तमान ठीक किया। और दोस्तों देखिए, आपने भूतकाल से अगर सीख ले ली है ना, और आपने अपना वर्तमान ठीक कर लिया है, तो आप लिख लीजिए इस बात को कि आपका भविष्य ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। मेरे पापा जी जब पढ़ते थे तो नंगे पैर जाते थे पढ़ने के लिए, पैसे वैसे कुछ नहीं थे, बहुत कंगाली थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, जॉब लगी। अब उनकी जॉब लगने से क्या है कि हमारे घर में अब ज़्यादातर सभी की जॉब है, मतलब सभी की है, सब अच्छे से पढ़ लिख गए हैं। तो वो क्यों हुआ, पापा ने अपने भूतकाल से शिक्षा ली कि भाई खेती में ऊँटगाड़ी चलाने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँगा, ना अपने सपनों को पूरा कर पाऊँगा। तो इन्होंने इससे भूतकाल से शिक्षा ग्रहण की और बहुत कठोर तप किया, इतना आसान नहीं था उस, मतलब पापा के टाइम पर पढ़ना लिखना नौकरी लगना, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, दूध बेचने जाते थे, ऊँट गाड़ी चलाते थे, सभी के पापा ने ये किया होगा, खैर मेरे अकेले ने नहीं। उसके बाद लेकिन हमें इस चीज़ का इतना एहसास नहीं है, क्योंकि हमने वो वक्त सिर्फ सुना है, जिया नहीं है, जिसने जिया है वो ही उस चीज़ को जानता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा मतलब पापा का भविष्य, मतलब कि हम संवर गए, और अगर हम अपने भूतकाल से कुछ सीख लेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे आने वाला जो भविष्य है ना, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाला जो समाज है, वो भी सुधर जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि इस अनुसंधान में वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता करता है। देखिए आ गई ना वही चीज़, तो इसको ना देखिए, कोई भी टॉपिक है उसको आप व्यवहारिक तरीके से पढ़िए। मनोविज्ञान आपको सिखाता है कि आप चीज़ों को व्यवहारिक तरीके से पढ़िए, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ों को सिर्फ समझना होगा, और क्वेश्चन आएगा ना उसमें भी आप अपनी समझ लगाओगे और तुरंत क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, आपने ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के बारे में जान लिया कि आखिरकार इस विधि में होता क्या है। अब एक परिभाषा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि और अच्छे से हम इस मतलब इस विधि के बारे में जान सके कि आखिरकार इसमें और क्या होता है, ठीक है। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं
के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इस पंक्ति में कहा गया है कि जो हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान है ना, इसका संबंध हमारी ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। आप समझ रहे हो, वैज्ञानिक विश्लेषण मतलब कि चीज़ों को अलग अलग भागों में बांट करके फिर समझना है, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा इसमें कही है कि देखिए कोई ऐतिहासिक समस्या है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए, अब मैं आपको हिंदी साहित्य से मैं हूँ तो मैं हिंदी साहित्य के आपको ज़्यादातर उदाहरण दूंगी, लेकिन चलो मैं यहाँ पे कोई और अलग उदाहरण देने का प्रयास करती हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों कि देखिए जियो, जब तक हमारी ये जियो सिम नहीं आई तो हमारे पास बहुत लिमिटेड नेट रहता था। ऐसा नहीं है कि हम इतनी सारी वीडियोज़ भी देख ले और हमारे पास नेट भी रहे, या फिर कोई हम डाटा ऐड करने का और रिचार्ज डाल के उसमें ऐड कर सके, इतनी सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन आजकल है। तो आप देखिए पहले हमारी ये समस्या थी, है ना, ये समस्या थी हमारी, देखिए पहले हमारी ये ऐतिहासिक समस्या थी, शुरू से चली आ रही थी, है ना। लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया, किसने किया, जिसने इस जियो की सिम को लाए होंगे उन्होंने सोचा होगा, विचार किया होगा कि हम इस बिजनेस को, उन्होंने अपने तरीके से सोचा होगा और उसमें सबकी मदद भी हुई है, ठीक है। उन्होंने अपने बिजनेस को भी बहुत आगे बढ़ा लिया और हम लोगों की भी अच्छे से मदद हो गई है इसमें, ठीक है, मतलब दोनों तरफ इसमें फ़ायदा हुआ है। वैज्ञानिक विश्लेषण किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये जो इसके जितने भी पद है ये तो है भूतकाल के, ठीक है, चीज़ हमारी चली आ रही है भूतकाल से, लेकिन इसकी जो हमें नई समझ पैदा हो रही है, नए तरीके जो हम सीख रहे हैं, वो उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है हमारे आज से और हमारे आने वाले कल से। दोस्तों समझे आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे। हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास अच्छे फ़ोन नहीं थे। देखिए आने मतलब कि मैं आपको बताऊं, मैं आठवीं क्लास में थी तब तक हमारे गांव में मतलब मैंने कहीं फ़ोन ही नहीं देखा। मेरे इंग्लिश वाले टीचर थे, उनके पास देखा, वो भी छोटा सा कीपैड वाला। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी से इतने अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट इतना अच्छा आ चुका है और अभी तो और अच्छे आने के चांस भी है। तो ये समस्या हमारे भूतकाल की थी, लेकिन इस भूतकाल की समस्या ने हमारा वर्तमान ठीक कर दिया और हमारे भविष्य को भी ठीक कर दिया। मतलब इन दोनों के बारे में हमें समझ विकसित हो गई। देखिए मैंने उदाहरण देके समझाया, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। पढ़ते हैं कि इसके स्रोत क्या है, ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है, मतलब कि इस विधि में जब हम कोई काम करेंगे, अपनी PhD जब हम करेंगे, तो हम कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से सोर्स से आंकड़े इकट्ठे करेंगे और चीज़ों की समझ अपने अंदर विकसित करेंगे, ठीक है। तो उन कौन कौन से सोर्स है उनके बारे में हम जान लेते हैं, स्रोत के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें दो स्रोत है, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। इस अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया गया है, प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, या फिर इसको गौण स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी सोर्स और है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है दोस्तों। अब पहले पढ़ लेते हैं हम प्राथमिक स्रोत के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों ये प्राथमिक स्रोत है ना, ये ही सबसे अच्छे होते हैं। ये सबसे अच्छे क्यों होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, पहले इसको पढ़ा देती हूँ, और जब हम द्वितीयक स्रोत को पढ़ेंगे तब आपको अपने आप ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्यों अच्छे होते हैं, ठीक है, और मैं आपको बता भी दूंगी। देखिए प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र में जा करके अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं, यही तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। देखिए दोस्तों सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या कही गई है कि जो हमारा अनुसंधानकर्ता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ PhD, तो मैं सीधी गई मेदिनीपुर जहाँ पे मेरे निराला जी का जन्म हुआ, ठीक है, मैं वहाँ पे गई और मैं वहाँ पे जाके उनसे आंकड़े इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहाँ गई, जो विश्व पुस्तक मेला जो लगता है प्रगति मैदान में, मैं वहाँ पे भी गई, वहाँ मैंने अच्छी अच्छी किताबें निराला जी की इकट्ठी की, और फिर जितने भी रिसर्च के काम हो चुके हैं उस क्षेत्र में मैंने वो सभी इकट्ठे किए, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, जगह जगह जा कर के और आंकड़े इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको यही चीज़ सीखना है कि
हम जिस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम पीएचडी कर रहे हैं ना दोस्तों, उसके अतीत की घटनाओं, मतलब कि उसके भूतकाल में क्या क्या हो चुका है, उन सारी घटना कहाँ पे घटित हुई थी, उस जगह पे हमें जाना है, वहाँ से सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है और अपने और सहयोगी अनुसंधान करता है, सहयोगी मतलब और हमारे साथ में जो पीएचडी कर रहे हैं या हमसे पहले जो पीएचडी कर चुके हैं उनसे संपर्क करना है, उनसे आंकड़े मतलब इकट्ठे करने हैं, लेने हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये ही प्राथमिक स्रोत कहलाती है और ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है दोस्तों, इसी को सबसे अच्छी प्रक्रिया माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, मतलब कि कौन से स्रोत ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्राथमिक स्रोत है ये ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि द्वितीयक स्रोत में क्या होता है कि हम किसी की सुनी सुनाई बातों को उसमें मतलब कि लिखते हैं, मतलब सुनी सुनाई बातों को सुनते हैं और उसके बाद उसको सीखते हैं। और देखिए, सुनी सुनाई, जैसे कि मान लो कोई बात हुई है, मेरी फ्रेंड को कोरोना वायरस हुआ है, ये बात मैंने आपको बताई, उसने मुझे किस तरीके से कही, मान लो उसने मुझे जिस लहजे में कही उससे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर मैंने आपसे कह दी, आप उसको थोड़ा सा और बड़ा चढ़ाकर किसी और से कहोगे, वो किसी और से कहेगा। तो देखिए, आप ये बताओ कि क्या इसमें सत्यता रह जाएगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं रहेगी दोस्तों। इसीलिए जो हमारे द्वितीयक स्रोत हैं ना, उनमें सत्यता नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि वो देखिए एक इंसान ने कही है, उसकी सुनी सुनाई बातों को हम सुनते हैं और फिर काम करते, तो इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती, ठीक है। ये इसमें परेशानी है, वो अभी आगे और पढ़ने वाले हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे प्राथमिक आंकड़े हैं ना, मतलब प्राथमिक स्रोत है, इसमें किस किस तरीके से हम अपने जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखित स्रोत, इसमें हम सबसे पहले लिखे हुए जो सोर्स होते हैं, जो पन्ने पर लिखे गए हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, जैसे कि न्यायालय के पत्र होते हैं, आत्मचरित्र है, आत्मचरित्र वर्णन है, कार्यालय संबंधी अभिलेख है, शिलालेख है, विज्ञापन पत्र है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं और वंशावलियां हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि देखिए, यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये पूरे हमारे सब्जेक्ट आ गए हैं यहाँ पे, सभी मतलब जितने भी सब्जेक्ट में होते हैं ना, उन सबसे संबंधित आ गए। कोई करंट के मुद्दे पर कर रहा है तो वो पत्र पत्रिका इकट्ठी करेगा, पुराने मुद्दे पर भी करेगा तो भी वो पत्र पत्रिका इकट्ठी करेगा, ठीक है। वंशावली देखेगा, मतलब कि आप कवियों से संबंधित, किसी इंसान से संबंधित रिसर्च करना चाहते हो, जैसे कि ये अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर करना चाहते हो, तो वंशावली देखोगे, उनकी सारी चीज़ों के बारे में जानोगे, फिर लिखोगे अच्छे से। तो ये सारे हैं हमारे लिखित आंकड़े, ठीक है, लिखित स्रोत है ये, ठीक है, मैं बार बार आंकड़े बोल रही हूँ, स्रोत है। अब इसके बाद है दोस्तों मौखिक। अब मौखिक में आपको जो बात मैंने अभी द्वितीयक स्रोत में बताई थी ना, वही मौखिक में आ जाएगी। देखिए, गाथाएं, कहानियां, उपाख्यान, लोक श्रुति, लोक कथाएं और दंत कथाएं, जितनी भी हम कहानी, कविताएं, लोक कथाएं, दंत कथाएं या फिर गाथाएं सुनते हैं ना, वो सब मौखिक में आ जाएगी। मौखिक मतलब कि मुँह से बोली गई बात, लिखित मतलब लिखी हुई बात है, ठीक है, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। कलात्मक स्रोत में देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएंगे, सिक्के, मूर्तियाँ, ऐतिहासिक चित्र, ललित कथाएँ। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये जो हमारे कलात्मक है, मतलब कला से संबंधित, आर्ट से संबंधित, इसमें सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, ऐतिहासिक चित्र है और ललित कथाएँ हैं, ठीक है। देखिए, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है मैं आपको ज़रूर समझा रही हूँ। अब इसके बारे में परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, ये जो हमारा प्राथमिक स्रोत, देखिए अभी तक प्राथमिक स्रोत ही चल रहा है, यहाँ से प्राथमिक स्रोत स्टार्ट हुआ है और ये प्राथमिक स्रोत के ही ये मतलब किस किस तरीके के आंकड़े हैं वो सब है। अब इसके बारे में परिभाषा पढ़ लेते हैं प्राथमिक स्रोत के बारे में, ठीक है। तो देखिए, कलिंगर की परिभाषा है दोस्तों, करलिंगर की परिभाषा है। करलिंगर ने क्या कहा है कि प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। क्या कहा है इन्होंने कि प्राथमिक स्रोत है ये ऐतिहासिक प्रदत्त, मतलब इतिहास के द्वारा प्रदान किया गया एक मूल भंडार होता है। मूल भंडार मतलब कि जहाँ से इसका प्रारंभ होता है किसी भी चीज़ का, उसका भंडार होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है। मौलिक, देखिए कोई भी महत्वपूर्ण अवसर हो, कोई भी महत्वपूर्ण घटना हो, उसका मौलिक अभिलेख होता है क्या, प्राथमिक स्रोत। ये किसने कहा है, करलिंगर ने कहा है, ठीक है दोस्तों। या फिर देखिए, ये इतना कहने के बाद फिर दूसरे तरीके से भी कहा है इन्होंने कि एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रस्तुत एक घटना, एक प्रत्यक्षदर्शी मतलब कि जिसने उस घटना को देखा है, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी। देखिए प्रत्यक्ष मतलब कि उपस्थित होना वहाँ पे उसी जगह पे, दर्शी यानी देखने वाला, प्रत्यक्षदर्शी यानी जिसने घटना को देखा है। देखिए, एक प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा प्रस्तुत एक घटना का विवरण होता है अथवा किसी
छाया चित्र या किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण होता है। समझ गए आप, कोई ऐसी संगठन हुआ है, ठीक है, कोई संगठन है जिसमें कोई बैठक हुई है उसका विवरण बताना आकर, या फिर कोई ऐसा छाया चित्र है, किसी का फोटो है, छाया चित्र बोलते हैं फोटो को, ठीक है, उसके बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारी प्राथमिक स्रोत के रूप में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दूसरी परिभाषा जो बेस्ट ने दी है। देखिए बेस्ट ने क्या कहा है इसमें, प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, समूह अथवा काल का संबंध उसके शेष भागों अथवा अवशेषों से रहता है। जीवाश्म, अस्थि पंजर, यंत्र, अस्त्र शस्त्र, खान पान, बर्तन, भवन सज्जा, चित्र, चित्रकारी, सिक्के, कलात्मक कृतियाँ अचेतन रूप से तथा अनजाने ही सूचना प्रसारण के साधन अथवा अभिलेख होते हैं। बेस्ट ने क्या बोला है, इन्होंने सबसे बेस्ट तरीका इसमें बता दिया कि भाई क्या क्या होता है इसमें प्राथमिक स्रोत में। देखिए कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप कहीं भी गए, कोई भी ऐसा मतलब कि किला देखने गए हो, कोई महल देखने गए हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखने गए हो जहाँ पर हमारी इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जीवाश्म, अस्थि पंजर, यंत्र, अस्त्र शस्त्र, खान पान के तरीके कैसे थे, बर्तन मिल जाएंगे, भवन सज्जा किस तरीके से करते थे, चित्र चित्रकारी उस समय की आपको मालूम हो जाएगी, सिक्के भी आपको, देखिए यहाँ पर जो संग्रहालय बने रहते हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कलात्मक कृतियाँ दिख जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें किस में हैं दोस्तों, ये अभिलेख के रूप में हमें प्राप्त होती है और ये सब है हमारे प्राथमिक स्रोत। ठीक है, देखिए ये परिभाषाएँ होती है ना, इनसे आप डरा मत कीजिए, इनको आप समझो, इनको रटो मत। आपको याद नहीं होती कोई बात नहीं, आप याद इनको मत करो, क्योंकि पूरे पेपर को अगर खंगालोगे तो एक या दो परिभाषा आएगी, ये दो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, दो तो नहीं आएंगी, आएगी तो एक ही आएगी। तो कोई बात नहीं अगर हमें उसका उत्तर सही से नहीं आता तो, लेकिन हमें उस टॉपिक की समझ तो विकसित हो रही है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शायद समझ रहे होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आए हमारे द्वितीयक स्रोत, ठीक है, सेकेंडरी जो सोर्स है वो अब आए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत से ज्ञान न प्राप्त करके घटना से संबंधित व्यक्ति के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, इस वर्णन को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। देखिए ये है किताबी भाषा, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपको याद होगा तो, वो थी हमारी व्यवहारिक भाषा, ठीक है, हमारी आम बोलचाल की भाषा थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपसे कहा कि मेरी फ्रेंड है डॉक्टर आरती, उसको हो गया है कोरोना वायरस, ठीक है, मैंने आपको सीधी सीधी बात ये कही, इसकी वजह से मैं आपके लिए क्लास नहीं बना पाई, ये बात मैंने आपसे कही। अब आप इसी बात को अलग अलग तरीके से किसी से कहोगे, मान लो कि कोई ऐसे दो दोस्त यहाँ पर पढ़ रहे होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे को जानते हैं, तो एक कहेगा यार क्लास नहीं आ रही मैडम, तो पता नहीं उनकी फ्रेंड की तबीयत ख़राब है या फिर नहीं है, झूठ बोल रही है, पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से पता नहीं किस तरीके से आप एक दूसरे से कहते हो, वो और किसी से कहेगा और कोई और किसी से कहेगा, तो बात बदल गई ना जाते जाते। तो यहाँ पे यही हो रहा है, एक व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत, मूल स्रोत जो हमने प्राथमिक देखे थे ना अभी, वो है वहाँ पर थे मूल स्रोत, उनको तो नहीं देख रहा, वो मूल स्रोत से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको तो नहीं देख रहा, ये क्या कर रहा है, व्यक्तियों के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। मतलब कि जो दूसरे ने मुझे कह दिया उसी को मैंने हकीकत मान लिया, वो ही सर्वथा सत्य है और उसी का मैं वर्णन कर रही हूँ, ये है हमारे द्वितीयक स्रोत जो कि विश्वसनीय नहीं है, अच्छे नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, चलो आगे पढ़ते हैं। इस वर्णन में यद्यपि सत्य का अंश रहता है, देखिए सत्य का अंश थोड़ा बहुत तो रहेगा। देखिए अब मैंने आपसे कहा कि कोरोना है, ठीक है, आप भी बात को घुमा फिरा के कहोगे कि किसी को कोरोना हो गया है, फिर उस मतलब कि किसी फ्रेंड को कोरोना हो गया है, पता नहीं ठीक हुई है कि नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है, फिर आप कहोगे अरे उसकी फ्रेंड को तो कोरोना हो गया है, पता नहीं क्या होगा अब। तो मतलब कोरोना तो है ना सभी में, कोरोना वायरस तो सभी में है ना, तो मतलब कि कुछ तो सच्चाई का अंश उसमें रहेगा, कुछ तो हिस्सा उसमें सत्य का रहेगा, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है। किंतु देखिए आगे पढ़िए, किंतु प्रथम साक्षी से द्वितीयक स्रोता तक पहुंचते पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाता है। समझे आप, प्रथम साक्षी मतलब कि जिसने उस घटना को देखा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बिल्कुल सुना था हूबहू, ठीक है, तो मैंने उस घटना को सुना है। अब मान लीजिए कि मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास नहीं बना सकती क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, अब ये मैं तो हो गई प्रथम, ठीक है, मैं प्रथम साक्षी हूँ, सर है द्वितीय।
अब हो सकता है कि सर ने ये बात आप तक पहुंचाते पहुंचाते थोड़ा सा बदलाव कर दिया, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया, तो इसकी जो वास्तविकता है, इसकी जो सच्चाई है, वो कम हो गई, पूरी तरह सत्य नहीं है ये बात, समझ गए आप, जिसके कारण उसके दोष युक्त होने की संभावना बनी रहती है, मतलब कि इसमें दोष रहता है। अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप सब प्रोफेसर बनने वाले हो, कोई बच्चे नहीं हो, मैं बच्चों की तरह जोर दे के बता रही हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। द्वितीयक स्रोत की अपेक्षा प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में अधिक विश्वसनीय होता है। बिल्कुल दोस्तों, प्राथमिक स्रोत है ये ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में अधिक विश्वसनीय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक भंडार है। जो प्राथमिक स्रोत है वो ही हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक भंडार है, ठीक है, जबकि जो द्वितीयक स्रोत है उन घटनाओं का विचलित भंडार है। विचलित मतलब कि किसी और से सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है, ये इसमें पूरी हकीकत नहीं है, इसलिए इसको विचलित भंडार हम कह सकते हैं। अब द्वितीयक स्रोत के बारे में भी हम परिभाषा देख लेते हैं, वो ही करलिंगर ने कही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं महोदय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या किसी स्थिति का वह अभिलेख या फिर रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से एक या दो कदम दूर होते हैं। आप समझे, ये कह रहा है कि ये जो द्वितीयक स्रोत है ये मूल भंडार है, ठीक है, मतलब कि प्राथमिक स्रोत है। अब इसने कहा कि एक या फिर दो कदम दूर रहते हैं, ठीक है, एक या दो बोला है तो मैंने दो कदम कर दिए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो कदम कर दिए। अब आप देखो, दो कदम दूर होगा तो थोड़ा सा बदलाव तो है ना, मतलब कि सच्चाई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सच्चाई है। तो सीधी सीधी बात इन्होंने यही कही है कि जो हमारा द्वितीयक स्रोत है इसमें जो ऐतिहासिक हमारी घटना है या स्थिति है वह अभिलेख या रिकॉर्ड जो मूल भंडार से एक या दो कदम दूर होते हैं, आप समझ गए, मतलब उतने अच्छे नहीं है, वो थोड़े से दूर ही है। दूर का मतलब वो उतने अच्छे नहीं है, उससे पीछे रह जाते हैं लाइन में, ठीक है, सबसे आगे नहीं है। जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण, पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त सामग्री द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ऊपर हमने लिखित, मौखिक और कलात्मक सामग्री के रूप में देखा था उसको, यहाँ पे जो द्वितीयक सामग्री है इसमें जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सामग्री द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का क्या महत्व है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट मैंने इतने अच्छे आपके लिए लिखे हैं ना कि आपको, मतलब इतने अच्छे से लिखे हुए किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं, मतलब एज इट इज़ जैसे मैंने लिखे हैं वैसे, तो आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ने में ही आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है, आप समझ गए, ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत मतलब कि हमारा भूतकाल जो गुजर गया है उसकी त्रुटियां, मतलब कि उसमें जो गलतियां हुई है उनसे हमें परिचित करवाता है, मतलब कि हमें बताता है कि भाई ये गलती हो चुकी है इतिहास में, उनसे परिचित करा करके भविष्य के प्रति हमको क्या करता है, सचेत करता है, सतर्क करता है कि तुम सतर्क हो जाओ, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका महत्व है। दूसरा देखिए, यह अनुसंधान परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, नगरीयकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप में परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है। दोस्तों इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हमारे समाज में भी परिवर्तन हो रहा है, संस्कृति भी हमारी परिवर्तित हो रही है, नगरीकरण तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, तो इसमें जितनी भी हमारी समस्याएं थी, ये सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, नगरीकरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इन सभी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी इसकी प्रकृति है। तो इस प्रकृति को समझने के लिए भी हमारा जो ऐतिहासिक अनुसंधान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है, बिल्कुल दोस्तों, घुमा फिरा के वही सारी बातें अब आनी है, कोई आपकी विशेषता में आ जाएगी, कोई जो मैंने आपको बताया कि दोष है तो वो दोष में आ जाएंगे और सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी, लेकिन आपको समझना है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना है, ठीक है। देखिए, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है, बिल्कुल दोस्तों,
इस अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधान प्योर रिसर्च और व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च दोनों ही दृष्टिकोण से है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इस अनुसंधान का जो महत्व है वो शुद्ध अनुसंधान यानी कि प्योर रिसर्च और व्यवहारिक अनुसंधान यानी कि अप्लाइड रिसर्च दोनों ही दृष्टिकोण से है, ठीक है। व्यवहारिक अनुसंधान भी इसमें होता है और शुद्ध अनुसंधान भी होता है क्योंकि अच्छा होता है इसमें। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है दोस्तों। ये जो ऐतिहासिक अनुसंधान है ये शिक्षा के लिए और मनोविज्ञान के लिए यानी कि एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। अंधविश्वासों और भ्रमों के का निवारण करता है। जितने भी अंधविश्वास हमारे बने हुए हैं और जितने भी भ्रम हम पाल के बैठे रहते हैं उन सभी का भी निवारण करता है, ठीक है दोस्तों। अतीत की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके गुण दोषों से परिचित कराता है दोस्तों। अतीत की जितनी भी घटनाएं हैं उसके प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके प्रभाव जितने भी है उनका अच्छे से मूल्यांकन करके उसके जितने भी गुण हैं और दोष है उन सभी से भी हमें परिचित करवाता है ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है दोस्तों। सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी है। देखिए दोस्तों सामाजिक जीवन में लास्ट वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए मैं आपको शुरू से कहती आ रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शिक्षा आपको क्यों प्राप्त करनी है, अच्छा इंसान बनने के लिए, सामाजिक प्राणी बनने के लिए, समाज में कुछ व्यवहारिक बदलाव करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, सामाजिक तौर पे अच्छा बनने के लिए, आप समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी होती है। व्यवहारिक उपयोगिता मतलब आपके व्यवहार से, आप किस तरीके से प्रदर्शन करते हो लोगों के सामने। कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर गुस्सा आना चाहिए तो आप किस तरीके से अपने आप को संभालते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमारी ये जो विधि, ये जो हमारी विधि है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको पढ़े और क्या हमें प्राप्त करना है ताकि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। सबसे बड़ा उद्देश्य तो इसका यही है। देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का जो मूल उद्देश्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ये है कि अतीत के आधार पर मतलब कि जो गुजर गया है उसके आधार पर हमें अपने वर्तमान को समझना है, मतलब कि जो आज चल रहा है उसको समझना है, और भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमें सतर्क हो जाना है। समझ गए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेकेंड पॉइंट देखिए, अतीत वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना। बिल्कुल दोस्तों, अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, तीनों को जोड़ना है, ठीक है। आप समझ रहे हो, तीनों को जोड़ना है और वैज्ञानिकों की जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा है, उनको शांत करना है, समस्याओं को दूर करना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाओं का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना। बिल्कुल दोस्तों, अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन करके भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात करना, ये भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। वर्तमान में जो सिद्धांत या क्रियाएँ, देखिए वर्तमान में जो सिद्धांत तथा क्रियाएँ व्यवहार में है, मतलब कि जो चल रही है, उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ, इस तथ्य का विश्लेषण करना। आप समझ रहे हो, इसमें देखिए वर्तमान में जो हमारे सामने जो क्रियाएं चल रही है, जो सिद्धांत चल रहे हैं, जो व्यवहारिक क्रियाएं चल रही है, इनका उद्भव मतलब कि ये कैसे इनका उदय हुआ, ये कैसे बनी और इनका विकास कैसे हुआ। मतलब मान लो कोई चीज़ यहाँ पर बन गई लेकिन ये आगे कैसे बढ़ती गई, मतलब कि आगे बढ़ने से मतलब इसका विकास कैसे होता गया, इसके बारे में जानना, इन सभी परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए कौन मदद करता है दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान मदद करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। देखिए दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की जो हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा एवं नवीन ज्ञान के नीति निर्धारण में सहायता करना। कितना इम्पोर्टेंट, देखिए मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान में फर्स्ट ईयर सेकेंड ग्रेड का कोई एग्जाम हो, DSSB TGT PGT का हो, KBS का हो, NBS का हो,
टीचिंग के जितने भी एग्जाम है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा देना, मतलब कि नई डायरेक्शन देना, और नवीन ज्ञान, जो नई नया ज्ञान जुड़ रहा है, इसकी नीतियों का निर्धारण करना, मतलब कि दिशा का और ज्ञान का दोनों का निर्धारण करना कि ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सभी उद्देश्य हैं हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी समस्या आती है, क्या परेशानी आती है हमें इस विधि में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की समस्याएं पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान की एक सबसे बड़ी समस्या है तथ्यों का बिखराव। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इस विधि में जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो इसमें तथ्यों का बिखराव बहुत ज़्यादा रहता है। इनको इकट्ठा करने में काफ़ी समस्या आती है, ठीक है। समस्या से संबंधित तथ्य एक स्थान पर प्राप्त नहीं होने के कारण अनुसंधानकर्ता को उनके संस्थानों और पुस्तकालयों में जाना पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, जाना पड़ता है, क्योंकि PhD हमें करनी है, अपना काम हमें करना है, तो हमें जाना पड़ता है। चाहे हमें कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कई बार पैसे नहीं होते, पैसे भी होते तो कई बार क्या होता है कि नहीं जाना संभव हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है ना दोस्तों। तो इसीलिए ये एक समस्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें तथ्यों का बिखराव है बहुत। मतलब एक जगह आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, ये संभव नहीं है दोस्तों। आप PhD करने वाले हो, आपको सब कुछ पता है किस तरीके। देखिए, डॉक्टर नाम के आगे यूं ही नहीं लगता, डॉक्टर लगवाने में हत्थी टिक जाती है। हत्थी टिकने का मतलब काफ़ी दिक्कत आती है। डॉक्टर लोकेश वाली सर को पता होगा अच्छे से कि कितनी दिक्कत मतलब आती होगी इसमें। अभी मेरी तो पूर्ण हुई नहीं है, अभी चल रहा है प्रोसेस, देखो क्या होता है। लेकिन काम अच्छा है, अगर आपको काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, नई नई जगह घूमना अच्छा लगता है, नए नए ज्ञान अर्जित करना अच्छा लगता है, तो आपको मज़ा आएगा, फिर आपको चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो कि प्लीज़ PDF दे दो, प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारे लेख पढ़ने हैं, नई नई पत्रिकाओं से जुड़ना है, काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए काम करने हैं, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए इसमें समस्याओं को पढ़ रहे हैं हम। पुस्तकालयों एवं अन्य संस्थानों में कभी दस्तावेज प्रलेख क्रम में नहीं होते हैं। देखिए, कभी तो वो क्रम में हमें मिलते नहीं है जिस क्रम से हमें वो ढूंढने हैं, और कभी दीमक और चूहों के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। दीमक खा लेती है, चूहे काट देते हैं, तो उसके कारण कभी कभी जो हमारे अभिलेख है वो खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। किताबों को चूहे काट देते हैं, तो उसके बाद वो काम की नहीं बचती, क्योंकि उसमें से मान लो कि एक जगह भी अगर कट लगा दिए तो पूरी किताब ख़त्म, मतलब ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से भी हमारे जो दस्तावेज है वो ख़राब हो जाते हैं। इसी कारण से ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को बहुत कठिनाई होती है। बिल्कुल दोस्तों, कठिनाई होती है। आप सभी ये जो समस्या है इनको थोड़े दिनों बाद समझ जाओगे या फिर समझ रहे होंगे। देखिए आगे पढ़िए दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों और व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता संदेह के घेरे में रहती है। ये पॉइंट समझने वाला है, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है, मेरी सोच अलग है, मेरे विचार अलग है, मेरी रुचि अलग है, ठीक है। पक्षपात, किसी भी चीज़ के बीच में पक्षपात मुझे करना है तो वो मेरा करने का तरीका अलग है। तो दोस्तों, जैसी मेरी सोच होगी, जैसा मेरा काम करने का तरीका होगा, जैसा मेरा मतलब लोगों को जानने का तरीका होगा, जैसा नज़रिया मेरा होगा, मैं उसी तरीके से अपना जो मैं PhD की थीसिस लिखूंगी उसमें उसी तरीके से लिखूंगी। मान लो कि मेरा नज़रिया जो है वो नकारात्मक है, तो हो सकता है मैं कुछ नकारात्मक चीज़ें वहाँ पे लिख दूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी रुचि का, अभिरुचि मतलब अभिवृत्तियों का, पक्षपात का, मतों का, व्यक्तिगत विचारधारा, जो हमारी खुद की विचारधारा है इसका। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रिजल्ट होता है ना, इसमें विश्वसनीयता होती है और जो वैधता होती है ये संदेह के घेरे में रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि हर किसी के अलग अलग मत होते हैं, हर किसी की अलग विचारधारा होती है, इसलिए ये संदेह के घेरे में रहती है, समझ गए आप। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे एक इंसान की रुचि, उसकी विचारधारा, उसका क्या मत है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसकी अभिरुचि कैसी है, इन चीज़ों का बहुत बड़ा मतलब कि असर पड़ता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो इसका असर यहाँ भी पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान का सफल प्रयोग उन्हीं समस्याओं के अध्ययन में हो सकता है जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित दस्तावेज, पांडुलिपियाँ अथवा आंकड़ों का संग्रह या तथ्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो। और अगर ये सभी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, इसमें क्या कहा गया है कि हम सफल प्रयोग को तभी कर पाएंगे जब हमारे सामने ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब पढ़ लेते हैं हम ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान, या फिर इनको पद भी बोलते हैं, स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक विधि के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से पद है? देखिए, पहला जो हमारा स्टेप है वो है समस्या का चुनाव करना। सबसे पहले हमें समस्या जो है उसको चुनना है और उसका सीमा निर्धारण करना है, उसका दायरा देखना है, कितना इसका मतलब कि कितनी सीमा निर्धारण है, ये कितने दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, उसके बाद उससे संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना है, तथ्यों का संग्रह तथा तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच करना, उसके बाद हमें क्या करना है, आंकड़ों को इकट्ठा करना है और उन आंकड़ों की प्रमाणिकता की जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, जो फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए हैं उनका। ठीक है, लास्ट में देखिए, तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच करना, फिर उसके बाद क्या करना है, इन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, इसके आधार पर जो हमने परिकल्पनाएं बनाई थी ऊपर उनकी जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, और पांचवें नंबर पे है, और पांचवें नंबर पर है परिणामों की व्याख्या और विवेचना करना। पांचवें नंबर में है कि परिणामों की व्याख्या करनी है और विवेचना करनी है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप्स है हिस्टोरिकल रिसर्च के। देखिए, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ये आपकी किताब में भी लिखी है अच्छे से, और ये जो PDF आपको मिलेगी इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए, कोई भी विधि हो उसमें गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के गुण कौन कौन से हैं, मेरिट्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य गुण ये है कि वह उन विषयों की जांच के लिए अनुमति देता है जिनका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब कि यहाँ पर उन विषयों के या फिर उन जो टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर कोई अध्ययन नहीं किया गया है, उनके ऊपर ये जांच करने की अनुमति देता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, ये सर्वप्रथम इसका गुण है। सेकंड नंबर पर देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान की उपादेयता शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि शिक्षाविदों को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में शिक्षा, समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान तथा मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि हमारे जो शिक्षाविद है, जो हमारी शिक्षा की विधियों का निर्माण करते हैं, हमारे लिए नया नया पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद करते हैं, वो शिक्षा की प्रणाली को बेहतर बनाते हैं इस विधि के, इस अनुसंधान के माध्यम से। ठीक है, उसमें मतलब कि इसकी आवश्यकता पड़ती है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण से होता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान है, इसका महत्व शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण से होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक अनुसंधान में कौन कौन से मतलब कि ये शामिल होते हैं तत्व, तो वहाँ पर शुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान दोनों आए, तो ये दोनों ही उत्तर में सही होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इन विधियों में से बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के कौन कौन से दोष है, कौन कुछ। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसमें थोड़े बहुत दोष भी रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान में नियंत्रण संबंधी कठिनाई पाई जाती है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता आंशिक नियंत्रण ही स्थापित कर पाता है। इसमें नियंत्रण से संबंधित कठिनाई पाई जाती है सर्वाधिक, और इसमें जो हमारा शोधकर्ता होता है, हमारा जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो आंशिक नियंत्रण ही स्थापित कर पाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। इस अनुसंधान में कार्यकारण संबंध की स्थापना संभव नहीं है। ये जो अनुसंधान है ऐतिहासिक अनुसंधान, इसमें कार्यकारण संबंध की स्थापना संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना आप, क्योंकि आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि उसमें और जो हम अलग विधि पढ़ेंगे उसमें।
देखिए दोस्तों, ऐसे अनुसंधानों की विश्वसनीयता और वैधता में कमी पाई जाती है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थता को निर्धारित करना सरल नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थता को निर्धारित करना सरल काम नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है और काफ़ी हद तक सरल बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये विश्वसनीय नहीं होते, कई बार दिक्कत आई जाती है। ऐतिहासिक अनुसंधान में सत्यापन वेरिफिकेशन संबंधी कठिनाई का समावेश होता है। दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान है, इसमें सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन संबंधी कठिनाइयों का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं। ओके, बाय बाय।